हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड संक कॉस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें, विच आर वरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इसका मतलब है कि हमारा जो आउटपुट है उसके साथ ये डिपेंड करता है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी। एग्जाम्पल के लिए माने तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और हमारे जो वेजेज हैं ये क्या होते हैं, हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर अगर रॉ मटेरियल की बात करें, जैसे कि हमको ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तो हमें रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए। वेजेज की बात करें तो अगर हमें लंबे समय तक लंबे समय तक जो हमारा प्रोडक्शन है उसको चलाना है तो हमारे जो वेजेज यानी कि जो हमारे लेबर की जो इनकम है या सैलरी है वह भी क्या रहेगी, लंबे समय तक चलती रहेगी और वह इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है ये किसके साथ एसोसिएट करता है, हमारा वेरिएबल फैक्टर के साथ। अब बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की, तो इसमें क्या होता है, विच रिमेन सेम ऑन एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। यह हमेशा क्या रहता है, हमारा सेम रहता है, चाहे आउटपुट हमारा कितना ही ज़्यादा हो या फिर हमारा कम हो, यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितना भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हमारा जो फिक्स्ड जो हमारा कॉस्ट है वो क्या रहेगी, हमेशा फिक्स। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा रेंट होता है, या हमें हमने कोई लैंड लिया या कोई भूमि ली, उसका जो हमारा किराया है या जो रेंट है वो क्या रहेगा, हमेशा के लिए फिक्स रहेगा। उसका हमारे जो आउटपुट है प्रोडक्शन है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कॉस्ट है यह एसोसिएट करता है किसके साथ, फिक्स्ड कॉस्ट के साथ। अब बात करते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमारे पास क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रॉफिट या फिर हमारा लॉस व्हेन वन अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड ओवर अनदर। यानी कि हमारे पास दो चॉइस है, ठीक है, हम एक चॉइस को छोड़कर हम दूसरी चॉइस पर जाते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसको हमने पिछली वाली जो वीडियोस थी उनमें भी देख चुका है। बात करते हैं संक कॉस्ट की। संक कॉस्ट क्या होती है, नॉट रिलेवेंट फॉर फ्यूचर डिसीजन एंड नॉट रिकवरेबल। ठीक है, तो संक कॉस्ट का मतलब यह है कि हमने हमारा पैसा वहां पर लगा दिया जिसका फ्यूचर में भी कोई डिसीजन नहीं हो सकता कि पैसे का क्या होगा, ठीक है, और वह वापस से हम रिकवर भी नहीं कर सकते। यानी कि हमने स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगा दिया तो हम फ्यूचर का डिसीजन नहीं ले सकते कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है या हमारा ऊपर हो रहा है, तो ये होता है हमारा संक कॉस्ट और हम इसको रिकवर भी नहीं कर सकते हैं, तो ये होता हमारा संक कॉस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।